हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है उस पर हम रीडिंग कैसे रीड करते हैं वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जब हम ऑटो लेवल से अपना स्टाफ पे फोकस करते हैं, जब देखते हैं तो ऐसे ही दिखता है जो कि हमारा क्रॉस हेयर रहता है। तो ये बीच वाला जो है ये इसको बोलते हैं मिडिल क्रॉस हेयर, जो ऊपर में है, ऊपर और नीचे दो छोटा छोटा रहता है क्रॉस हेयर, जिसको अपर क्रॉस हेयर और लोअर क्रॉस हेयर बोलते हैं। और हमको रीडिंग कौन सा लेना रहता है, जो मिडिल क्रॉस हेयर पे जो भी हमारा रीडिंग आ रहा है उस रीडिंग को नोट करना है। तो सबसे पहले ये आप अरेंजमेंट यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा ही हमारा स्टाफ अरेंजमेंट रहता है। जैसे कि ये पेंटेड रहेगा अगर या तो ब्लैक या रेड से रहता है, तो ये ब्लैक होगा तो फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। तो ये एक जो हमारा ब्लैक है, ये टोटल ब्लैक का जो इसमें 5 mm इसका डायमेंशन होता है, फिर जो वाइट आएगा उसका भी 5 mm होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा है 5 mm, ये भी है और ये वाइट भी 5 mm है, फिर 5 mm 5 mm ऐसे करके रहता है ये। तो हम इस पर कैसे रीडिंग लेते हैं, तो सबसे पहला जो है वो हमको ये देखना रहता है, जो जब हम ऑटो लेवल को फोकस करते हैं अपने स्टाफ पे, तो ऐसा सर्कल आएगा और एक ये लाइन आएगा जो कि अपर अपर क्रॉस हेयर, लोअर क्रॉस हेयर और मिडिल क्रॉस हेयर रहता है। तो ये तीनों में से जो बीच में आता है उसको रीड करना है, वो क्रॉस हेयर को। और ये आप देख सकते हैं जो हमारा स्टाफ रहता है उसमें क्या होता है कि एक लेफ्ट साइड भी लिखा रहता है नंबर और एक राइट साइड भी रहता है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। तो जब भी हम पढ़ेंगे रीडिंग तो पहले लेफ्ट साइड का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड, लेफ्ट साइड के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर ये राइट साइड को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, ये लाइन अगर ये हमारा मिडिल क्रॉस हेयर है यहाँ पे, तो हम इस तो इसका हम रीडिंग क्या बताएंगे। तो रीडिंग बताने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो ये हमारा क्रॉस हेयर है इसके नीचे देखना है। तो नीचे हमारे पास नंबर क्या है, पहले 4, तो ये हमारा लेफ्ट साइड को पहले लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में 4 है पहले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब पॉइंट दे देंगे, उसके बाद 4 पॉइंट के बाद अब फिर ये 3 है, तो ये 4.3 हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए, अब हमको यहाँ तक काउंट करना है, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5, 5, तो ये हम 5 लिख देंगे। और इसके बाद हमारा ये 5 से ऊपर है, अगर 5 पे रहता है ये यहाँ पे रहता है तो 5 0 हो जाता, लेकिन 5 से ऊपर है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 4.351, तो ये हमारा इसका रीडिंग आ गया। तो ऐसे ही करके हम कोई भी रीडिंग को रीड करते हैं स्टाफ पे। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे अगर आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ गया क्रॉस हेयर, तो इसका रीडिंग क्या होगा, इसके नीचे क्या नंबरिंग है, 4 है, तो 4 हो जाएगा 0.4, और ये फिर 0 4.4, उसके बाद 0 और ये हमारा 2, तो इसका रीडिंग हो जाएगा 4.402 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम रीडिंग को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में देखना पड़ता है हमारा कौन सा नंबर है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट देते हैं, फिर उसके बाद राइट साइड, और राइट साइड के बाद हम अपना जो ये यहाँ पे जो भी है इसको काउंट करते हैं, ये कितना ब्लैक डॉट्स हैं, ये ब्लैक लाइन को काउंट करते हैं, जितना ब्लैक लाइन है उतना लिखते हैं। और अगर हमारा वाइट लाइन भी आ रहा है तो ये 1 ब्लैक लाइन हो गया, और इसमें हमको पता है कि 5 mm रहता है, तो अगर यहाँ पे है तो ये इसको हम 3 बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.3 mm आ जाएगा। यहाँ पे हो रहा है तो 4 mm, ये पूरा टच हो गया तो 5 mm, ऐसे करके रीडिंग लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताया अभी कि जो हमारा अगर यहाँ पे सेंटर लाइन आ रहा है, जो हमारा मिडिल जो बताए थे मिडिल क्रॉस हेयर अगर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका रीडिंग हम क्या बताए थे, 4.351। तो ये कैसे हो गया 4.3, मतलब यहाँ तक का रीडिंग हो गया। अब हमको इतना का रीडिंग भी काउंट करना है, तो ये काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इसका जो ब्लैक जो स्ट्रिप रहता है, ये ब्लैक स्ट्रिप को काउंट करना रहता है। तो 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक स्ट्रिप था, काउंट कर लिए। अब देखना रहता है कि वाइट स्ट्रिप में भी है क्या, तो हमारा हाँ ये वाइट स्ट्रिप में है, कुछ पोर्शन पे है, तो इसमें हमारा 5 mm रहता है, तो हम इसको 1 mm मान सकते हैं। जैसे कि इसमें 5, समझिए 1 2 3 4 5, 5 mm रहता है, तो यहाँ पे है तो इसका मतलब 1 हो गया, तो इसका आ जाएगा 4.351। तो आपको इसको समराइज वे में बताएं कि इसको कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा
ये क्रॉस हेयर आ रहा है, उसके नीचे देखना है कौन सा लेफ्ट और राइट रीडिंग हमको दिया है। तो यहाँ पे बताएं 4 और 3 दिया है, तो यहाँ तक का ये आ गया हमारे पास। तो पहले हम लेफ्ट रीडिंग लिख लेंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, पॉइंट देने के बाद राइट में जो नंबर है उसको लिख लेंगे, तो 4.3 हो गया। उसके बाद इसके बाद यहाँ तक का रीडिंग आ गया। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे हमारे पास ब्लैक स्ट्रिप्स कितना है इसके अंदर, ये जो हमारा क्रॉस हेयर है इसके अंदर कितने ब्लैक स्ट्रिप आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक स्ट्रिप आ रहा है, तो इसके लिए 5 डाल दिए। अब चेक करना है कि वाइट में भी तो नहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हमारा वाइट पे भी आ रहा है। तो इसमें 5 mm है टोटल, तो इसमें अपने अंदाज से डाल सकते हैं, तो ये 1 mm को ऑक्यूपाई किया होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट रीडिंग 1 दिए हैं। तो इसका टोटल रीडिंग आ गया 4.351। तो ऐसे करके हम कोई भी स्टाफ पे रीडिंग रहे उसको आसानी से रीड कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना होगा कि पहले हमेशा जहाँ पे हमारा ये क्रॉस हेयर आ रहा है उसके नीचे कौन सा रीडिंग दिया है वो रीडिंग को पहले लेना है। तो उसमें लेफ्ट को पहले लिखे, फिर पॉइंट दे, फिर राइट लिखे। तो ये यहाँ तक का रीडिंग आ गया। अब इसके ऊपर जो है इसके लिए हम ये ब्लैक स्ट्रिप्स को काउंट करेंगे, तो फिर वो जितना है वो देखेंगे नंबर। फिर उसके बाद देखेंगे कि वाइट स्ट्रिप में भी आ रहा है क्या हमारा क्रॉस हेयर, अगर आ रहा है तो कितने mm आ रहा है, तो उतना mm लास्ट रीडिंग हो जाएगा। अगर ये हमारा यहाँ पे रहता तो ये वाइट वाइट में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये 1 के बदले 0 हो जाता। यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दिखा दे, अगर हमारा जो रीडिंग है जो क्रॉस हेयर है वो यहाँ पे आ गया है, ये अभी ये ब्लैक जो स्ट्रीप है उसकी मिडल में है, तो इसका रीडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले जो इसके नीचे देंगे कौन सा नंबर हमको दिया है, तो 4.2 तो इसका हो गया, तो यहाँ पे हम लिख ले 4.2। अब हमको क्या करना है, बैक ब्लैक स्ट्रिप काउंट करना है। तो यहाँ पे 1, 2, ये जो ब्लैक स्ट्रिप है ये टोटल इसमें नहीं आया है, इसका हाफ पोर्शन आया है, तो टोटल कितना है 2 आया है, 1 और 2, तो बस 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 4.22 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ का 5 mm और यहाँ का 2 या 3 mm आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 mm और यहाँ भी 5 mm, ये टोटल जो होता है ये 10 mm का होता है। ये यहाँ पे आपको हम बता भी दिए हैं, ये एक ये ब्लैक स्ट्रिप और एक वाइट स्ट्रिप, ये दोनों मिला के ये 10 mm होता है, और अकेला ये दोनों 5 5 mm का होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये अभी कहाँ पे हमारा आएगा, ये 4.2 यहाँ तक था, फिर ये 2 आ गया, अब ये हमारा 8 इसको मान सकते हैं आप, तो ये यहाँ पे 4.228 हो गया, ठीक है। अगर यही हमारा ये पूरा यहाँ पे रहता, ये इसके बाहर रहता, तो ये इसको हम क्या करते, 4.230 कर देते इसका रीडिंग। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कोई भी स्टाफ रीडिंग। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।